Hey, class 9th. So, in the last class, we discussed about the problems faced by patient, and some other topics like how the treatment is done, Now, अगर बीमारी हो गया तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो तो हम पढ़ लिए। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करें, जो कल तुमको बताया था मैं थोड़ा बहुत उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, देर आर टू वेज, दो तरीका है। पहला है जनरल वे, देखो प्रिवेंशन बस सिंपल कर दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा नहीं लिखूंगा। जनरल वेज, जनरल मेथड से हम लोग डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम यूज़ कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक वे से, कुछ जनरल वे है, कुछ स्पेसिफिक वे है। क्लियर? सो जनरल वे क्या है? जनरल हम लोग जैसे, तो अगर तुम्हें डिजीज को ठीक करना है तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम तो खाना खाओगे। यू शुड हैव बैलेंस डाइट। क्लियर? तुम्हारा डाइट बैलेंस होना चाहिए। क्लियर मीन्स जो तुम खाना खाओगे उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। क्लियर? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, बॉडी का ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड बोल सकते हैं हमारा पर्सनल हाइजीन, हाइजीन एंड सैनिटेशन, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, कीप योर सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी, प्रॉपरली सैनिटाइज्ड। ये अगर हम लोग प्रॉपरली सैनिटाइज करके रखेंगे अपने आप को, हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे, हाइजीनिक एनवायरनमेंट रहेगा हमारा, तो हमें डिजीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट थ्री, ये पर्सनल है, ये देखो, ये पर्सनल हाइजीन बताया मैं, पर्सनल खुद का। थर्ड पॉइंट में पब्लिक हाइजीन जाएगा, पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन मतलब तुम्हारा सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, उनको इन्फेक्शंस नहीं है तो, तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लीन है कि नहीं है, घर के आसपास स्टेगनेंट वाटर नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? एयर को सैनिटाइज, प्योर रहना चाहिए, पोल्यूशन नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ से भी हमको बहुत कुछ प्रिवेंशन मिल जाता है। माई सराउंडिंग वाटर इज क्लीन, माई सराउंडिंग एयर इज क्लीन, सो आई विल बी हेल्दी। बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना है, पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, दोनों मेंटेन करना है। क्लियर? एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, इम्यून सिस्टम। तुम्हारा इम्यून सिस्टम ठीक रखना पड़ेगा, तुम्हारा इम्यून सिस्टम सही होना चाहिए। अगर तुम पहला तीन जो पॉइंट बोला ना, अगर वो तीनों पॉइंट तुम अगर मेंटेन कर लेते हो अच्छे से, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तुम डिजीज से दूर रहोगे। क्लियर? पूरा जनरल वेज में जनरली क्या करेगा? अच्छा खाना खाएंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे, बस काफ़ी, डन। नाउ लेट्स मूव टू स्पेसिफिक वेज। व्हाट आर स्पेसिफिक? कुछ खास, अगर तुम्हें खास डिजीज से बचना है तो खास काम करना पड़ेगा। क्या है तुम्हारा खास काम? वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन देते हैं। क्लियर? वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन देते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन एंड टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन दो और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। क्लियर? समझ में आया? इम्यूनाइजेशन सेम थिंग है। कैसा करोगे? अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ बाय गिविंग द सेम वैक्सीन। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब ही सेम है। वैक्सीन दो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, दोनों का मतलब वही है। एक फर्क है बस, वैक्सीनेशन तुम कभी भी कर सकते हो, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। आज भी अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलता है, तुम सब 30 साल के उम्र में, मैं 25 साल का हूँ,
25 साल की उम्र में मैं वैक्सीन ले सकता हूँ। देखिए इम्यूनाइजेशन वर्ड कब यूज़ होता है, ये सिर्फ बच्चों के लिए यूज़ होता है। ये वर्ड है ना इम्यूनाइजेशन, ये सिर्फ बच्चों के लिए यूज़ होता है। 5 ईयर्स से नीचे के बच्चे को तुम जो भी वैक्सीन देते हो उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अभी बड़े लोगों को, हमको, मेरे को कोई वैक्सीन अगर देगा मैं बोलूँगा वैक्सीनेशन, मैं उसको इम्यूनाइजेशन नहीं बोलूँगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैक्सीनेशन मैं बताया था कल, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज समथिंग व्हिच स्टिमुलेट्स योर और स्ट्रेंथेंस योर इम्यून सिस्टम। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीक माइक्रोब्स एंड डेड माइक्रोब्स। खासियत क्या है, जब ये वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि ये वीक माइक्रोब है, डेड माइक्रोब है, हमारा बॉडी को इन्फेक्शन नहीं करेगा, तो वो एंटीबॉडी रह जाएगा फ्यूचर यूज़ के लिए। जब भी कोई नया हार्मफुल जर्म्स आएगा ये एंटीबॉडी उसको मार देगा। क्लियर? एक और खास बात, वैक्सीनेशन में वैक्सीन देते हैं 2 तरीके से। वैक्सीन दिया जाएगा या तो ओरली या तो इंजेक्टेबल के थ्रू। इंजेक्टेबल इसको तुम बोलते हो इंजेक्शन, ओरल दे सकते हो, इंजेक्शन दे सकते हो। क्लियर? ओके, सो वैक्सीन्स कब दिया जाएगा, याद रखो डिजीज होने से पहले। मींस वैक्सीन एक प्रिपरेशन है, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन कब देते हैं, डिजीज होने के बाद। वैक्सीन कब देते हैं, डिजीज से पहले, ताकि डिजीज ना हो। क्लियर? सबसे पहला वैक्सीन कौन बनाया था, एडवर्ड जेनर। पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर 1976 में। क्लियर? एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन इन 1976, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इन 1796, उल्टा कर दिया था, 1796। बहुत सारा वैक्सीन्स है, कॉमन वैक्सीन सब बता रहा हूँ तुमको। BCG वैक्सीन, ये BCG वैक्सीन का काम क्या है, ये ट्यूबरक्लोसिस में काम आएगा, टीबी ठीक करने में काम आएगा। फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस काल्मेट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस काल्मेट ग्यूरिन। क्लियर? समझ में? और एक है DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन ये किसके लिए काम आएगा, ये काम आएगा डिप्थेरिया पर्टुसिस और टिटानस के लिए। ओके, डिप्थेरिया का डी, पर्टुसिस का पी, टिटानस का टी, ये तीनों को मिला के बोल दिए हैं DPT वैक्सीन। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, किसके लिए कौन सा वैक्सीन है, इन तीनों के लिए DPT वैक्सीन, TB ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन, और एक है OPV वैक्सीन। OPV नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, क्या नाम है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो डिजीज के लिए देते हैं। क्लियर? ओरली ड्रॉप वाइज बच्चों को पिलाते हैं, ड्रॉप। क्लियर? तो ध्यान दो, पोलियो जो नाम बोलते हैं, पोलियो डिजीज है, उसका एग्जैक्ट नाम है पोलियो माइलेटिस। तुम बस पोलियो बोलते हो। क्लियर? लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम है पोलियो माइलेटिस। क्लियर? तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये सब तो आइडिया आ गया। एक और टॉपिक बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, शायद कोर्स में है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, बट तुम जानो, क्योंकि वाइड वो फॉलिल में थोड़ा हम लोग आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे, कॉमन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक खास तरह का प्रोग्राम शुरू हुआ था। ओके, PPP
पोलियो प्रिवेंशन प्रोग्राम, ओके, पोलियो प्रिवेंशन प्रोग्राम, क्लियर, ओके। व्हाट इज दिस? गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था, एक कैंपेन, एक ऐसा कैंपेन है ये वाला, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ना पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए, पोलियो से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया। क्लियर? दिस पीपीपी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट पोलियोमायलिटिस, पोलियोमायलिटिस को पूरा देश से मिटा देना है, बाय वैक्सीनेटिंग ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिलो 5 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं उनको पोलियो वैक्सीन देके, ओपीवी देके पोलियो मारने वाले जिसको पूरा हटाना है, देश बाहर निकालना है। क्लियर? और ये होता है क्या, एक ही पूरे देश में एक ही दिन में एक ही बार में। तुमने सुना होगा जब पोलियो वीक आता है तो क्या होता है, उस हफ्ते का या तो वेडनेसडे या तो फ्राइडे, मेनली वेडनेसडे होता है, एक ही दिन में पूरा इंडिया में पोलियो का वैक्सीन देते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं पीपीपी प्रोग्राम, पोलियो प्रिवेंशन प्रोग्राम, और पल्स पोलियो प्रोग्राम, और पीपीपी मतलब पल्स पोलियो प्रोग्राम भी बोलते हैं। पल्स मतलब एक बार में, पल्स मीन्स पल्स रेट, मतलब पूरे देश में एक बार में एक ही दिन में सब बच्चों को, 5 साल से नीचे सारे बच्चों को ओपीवी दिया जाए, ताकि पोलियो माइलिटिस से उनको बचाया जा सके। क्लियर? ओके, सो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, हल्का फुल्का जाते हैं, तो आई एम नॉट टुडे आई कांट टेक द क्लास, मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं एक वीडियो दे दिया हूँ छोटा सा, इफ पॉसिबल शाम को एक और वीडियो दे सकता हूँ डिजीज के ऊपर। क्लियर? डिजीज के ऊपर डिस्क्राइब करके। तो फिलहाल के लिए अभी ये पढ़ो, समझो, डाउट रहेगा गिव मी अ कॉल, ओके, हैव अ गुड डे।